नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बर्रा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 9 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। बड़ी बात तो ये है कि 30 से अधिक लूट और चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे लुटेरे। साथ ही लूट और चोरी की घटना के दौरान प्रयोग की गई 4 गाड़ियां और 28 मोबाइल बरामद हुए हैं। पिछले दिनों में भी बर्रा पुलिस ने लूट और चोरी का खुलासा करते हुए कई अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। संवाद सूत्रों के अनुसार लुटेरे फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। शहर में किराए का मकान लेकर लूट और चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सभी पकड़े गए अभियुक्त लगभग 20 से 24 की उम्र के बताए जा रहे हैं। बड़ी बात तो ये सामने आई कि गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के चक्कर में पढ़ाई छोड़कर लुटेरे बन गए थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में मुख्य रूप से SI दिवाकर पांडे, SI गजेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ये जो बर्रा पुलिस टीम है, इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जो बर्रा पुलिस टीम के द्वारा जो 9 मोबाइल लुटेरे थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 28 मोबाइल बरामद हुए हैं और 3 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है, जिससे ये डिफरेंट जगह पे लूट की घटनाएं करते थे। जो अभी तक इनसे पूछताछ की गई उसमें ये संज्ञान में आया कि कल्याणपुर, चकेरी, नौबस्ता और बर्रा, इन थाना क्षेत्र में इन्होंने लूट की घटनाएं की हैं। बाकी जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने और लूट की घटनाएं की थी और वहाँ से भी हम लिंक करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ये पकड़े गए थे क्या कारण है, चोरी करने का उद्देश्य? जो जितने लोग इसमें पकड़े गए हैं सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई इंटर पास है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। और जो इन्होंने ये कारण बताया कि ये लूट की घटना इसलिए करते थे कि जो डेली के इनके खर्चे अफोर्ड करने के लिए इस तरह की ये घटनाएं करते थे, बाकी बाद में मोबाइल को बेचते थे। जो लोग भी पकड़े, किसमें कोई कौन सा सरगना है? इसमें एक जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार है, जो कानपुर नगर का ही है, और इसके ऊपर पहले से भी चोरी के बर्रा में और फतेहपुर में मुकदमे हैं। तो यही जो था मेन हेड था इनका, जो इनको बुला के यहाँ पे किराए पे कमरा लेके रहते थे और बाइक से फिर डिफरेंट थाना क्षेत्र में ये लूट की घटनाएं करते थे। नहीं, ये अपने शौक पूरे करने के लिए, अपना खर्चा बाइक का, तेल का और अन्य खर्चे पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं करते थे। इसमें एक आदित्य पटेल नाम का लड़का है, जिसके द्वारा ये बताया गया कि उसने 2017 में NDA का एग्जाम भी क्लियर किया था और उसके बाद फिर ये पढ़ाई करते करते ये घटनाएं भी लूट की कर रहे थे। इसमें जो 6 लोग हैं वो फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं और जो 3 अभियुक्त हैं वो कानपुर नगर जनपद के। कोई भी फरार चल रहा है क्या? अभी देखिए, जो पुलिस बर्रा टीम के द्वारा पकड़े गए हैं और जो बरामदगी हुई है वो 9 लोगों से ही हुई है। अगर इसमें कोई और लोग भी जो हैं इन्वॉल्व होंगे लूट की घटनाओं में तो उनके खिलाफ भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये मोबाइल लूटने के बाद बेचते ही थे और कुछ शॉप ऑनर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनको ये बेचते थे, और ये भी संज्ञान में आया कि कुछ मोबाइल्स का ही IMEI भी चेंज करवाते थे। तो अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।